तो हेलो बच्चों, नोआबा यूट्यूब चैनल के बोर्डाबा सेक्शन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में यार हम जितने भी आप लोग इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट जेवियर कॉलेज में, और जितने भी बीए बीएससी बीकॉम करना चाहते हैं जेवियर कॉलेज से, बीबीए हो गया, कुछ भी हो गया, बीसी हो गया, तो इस वीडियो में मैं इस पर सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना यार, सारी चीज़ें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस किस बुक से हमको प्रिपरेशन करना है और कैसे मेरा प्रिपरेशन होगा, है ना। और इस वीडियो में इंटरमीडिएट वाले बच्चे भी पूरा देख लेंगे जो इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इंटरमीडिएट वाले बच्चों से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बात करूँगा कि इंटरमीडिएट के बाद आप ग्रेजुएशन में कैसे एडमिशन ले सकते हैं जेवियर में ग्रेजुएशन के लिए। तो चलिए चलते हैं, पहले इंटरमीडिएट वालों के लिए बात कर लेते हैं। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊँगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं तीन इजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें, और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो, और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। तो चलिए इंटरमीडिएट वाले बात करते हैं, और इंटरमीडिएट वाले बच्चों का मैं कह दूं कि हर साल आप लोगों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो याद रखिए कि आपके लिए हर साल एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होता है। और सिर्फ लास्ट ईयर आपका कोरोना के कारण जब बहुत ही ख़राब पेंडेमिक था, तो आपको पता होगा कि आप लोगों का कट ऑफ बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था, मतलब कट ऑफ बेस्ड एडमिशन हुआ था, सॉरी। तो कट ऑफ बेस्ड जो मतलब कि एडमिशन हुआ था उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई गए थे, 85 से 87% तक हाई चल गया था जनरल का परसेंटेज, इतना परसेंट वाले एडमिशन ले पाए थे, है ना। उसी के आधार पर ओबीसी वाले 3-4% कम कर लीजिए और SC ST वाले 10% कम कर लीजिए, तो इस प्रकार आपका कट ऑफ गया था। लेकिन यार जेवियर हमेशा से एंट्रेंस के लिए ही जाना जाता है, वो चाहती हैं कि जितना भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं वही यहाँ पे एडमिशन ले। तो हो सकता है कि इस साल जैसे कि अब तो स्थिति सुधर गई है, बहुत सारे कॉलेज एग्ज़ाम अपना ले रहे हैं, तो जेवियर भी अपना एग्ज़ाम लेगी, है ना। तो जेवियर भी अपना एग्ज़ाम लेगा, तो आप एंट्रेंस का तैयारी करना चाहते हैं इंटर वाले बच्चे, तो उनके लिए जो जो बुक की प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सा सिलेबस है मैं बता दूँ कि आपका मैथ्स पूछेगा, आपका इंग्लिश पूछेगा, आपका PCM अगर लेना चाहते हैं तो, और फिजिक्स केमिस्ट्री पूछेगा, है ना। और जो बच्चे PCB लेना चाहते हैं मतलब बायोलॉजी लेना चाहते हैं, तो उनका बायोलॉजी रहेगा, बदले में साथ में बायोलॉजी भी रहेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, उसका मैंने बुक नीचे आपको बता दिया कि कौन कौन से बुक वाले लेना है आपको, है ना, कैसे आपका इंग्लिश का प्रिपरेशन हो जाएगा। हिंदी भी पूछा जाता है, सॉरी, तो हिंदी भी आप तैयारी करनी पड़ेगी। और चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि आपका एग्ज़ाम होगा कब एंट्रेंस का। तो देखिए, फॉर्म जैसे ही फिलअप होगा आपका, जैसे रिजल्ट निकलेगा इंटर वाले बच्चों का, तो रिजल्ट निकलने के कुछ दिन बाद ही तुरंत वहाँ पर मतलब कि फॉर्म जारी हो जाता है, और आपका एंट्रेंस जो भी होने वाला सारी अपडेट वहाँ पर आ जाती हैं, तो आप उसका वेट कर लेना यार। लेकिन अभी तक एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दो, आप लोग बहुत ही ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो एंट्रेंस की तैयारी कर लीजिए, वही बेहतर है। अभी आप अपना बैठा हुआ अपने बैठ के टाइम अपना बर्बाद मत कीजिए। अब बात रहा कि ग्रेजुएशन में जिनको एडमिशन लेना है इंटरमीडिएट पास हो अगर आप, तो ग्रेजुएशन में अगर जेवियर में एडमिशन लेना है यार, तो मैं उनके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स लेकर आया हुआ हूँ यार, आप इससे तैयारी करो, आपके 100% आपको जेवियर कॉलेज मिलने के आसार हैं अगर आप पूरे अच्छे से मन लगा के मेहनत करते हो हमारे साथ। तो हमारे कोर्स कौन कौन कर सकते हैं, जिनको यार ISC पास हैं और ICOM पास हैं, वो ये वाला सब मतलब कि कोर्स कर सकते हैं। और इसके अलावा सेंट जेवियर्स के अलावा और भी बहुत सारे आप फॉर्म भर सकते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजों का फॉर्म भर सकते हैं, DU का भर सकते हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पता है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे आप मतलब कि कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसके साथ ही IP यूनिवर्सिटी मतलब इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी CU CET जो एग्ज़ाम होता है, वो सारे एग्ज़ाम सब दे के इंडिया के टॉप नॉच कॉलेजों में जा सकते हो। तो ये कोर्स करवा मतलब कि बाय कर लेना यार, जो फॉर्म व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और तैयारी कर लीजिए।
कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, साथ ही साथ अगर जेवियर्स भी मिल जाएगा, जेवियर्स से अच्छे अच्छे कॉलेज भी हैं यहाँ पे, आपको शहीद सुखदेव दीनदयाल कॉलेज जो कि दिल्ली में ये टॉप कॉलेज है, यहाँ का प्लेसमेंट भी लगता है, 10 लाख 8 लाख का एवरेज पैकेज है, तो आप ये वो वाले कॉलेज का भी फॉर्म भरिएगा, साथ साथ में जेवियर का भी भरिएगा। तो ये कोर्स बाय कर लेना यार, और हमें ज़रूर व्हाट्सअप कर लेना, जैसे ही आपको हमसे अगर संपर्क करना, आप इंटरेस्टेड है कि हमको अच्छे कॉलेजों में जाना है, तो ये हमसे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं कि ये कोर्स कैसे ले सकते हैं, ठीक है। और इस कोर्स में जितने भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे सारे कवर रहेंगे, जैसे आपका एंट्रेंस में क्या पूछेगा, लॉजिकल रीजनिंग पूछेगा, मैथमेटिक्स रहेंगी 11th 12th की, साथ ही साथ आपके इंग्लिश टेस्ट किया जाएगा, ग्रामर पैराजम्बल्स है ना, और फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें सेंटेंस का मतलब कि अरेंजमेंट करना, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो वो सारे इसी कोर्स में कवर रहेंगे। इसके साथ ही करंट अफेयर्स, बिजनेस अवेयरनेस, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। तो वो यार कोर्स ले लेने से आपको सहायता हो जाएगी, कौन कौन से बुक से आपको पढ़ाई करने वो बता दी जाएंगी, ऑनलाइन कोर्स होगा, सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन वीडियोज मिलेंगी, साथ ही साथ कौन कौन से बुक्स मटेरियल आपको मतलब वहाँ से मिल जाएंगे, और कुछ कुछ मटेरियल्स आपको जो जो वहाँ से खरीदने बोली जाएंगी खरीद लेना। तो ये वाला कोर्स देख लीजिएगा एक बार, तो ये हो गया। और जो बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारी चीज़ें ऑनर्स करना चाहते हैं, तो उनका भी यार जैसे ही मतलब कि फॉर्म निकलता है तो मैं आपको बता दूंगा। इसी चैनल को बने रहिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको समय पर मिल सके। तो सारी अपडेट्स मैं यहाँ पे जेवियर की देते रहता हूँ, मैं एक्स जेवियरियन हूँ, तो मैं बता दूं कि आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री जितने भी सब्जेक्ट्स का आता है सबका लगभग एक ही साथ फॉर्म आता है, तो जो जो ऑनर्स के लिए रहेगा आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, और अपना जो भी सब्जेक्ट रहेगा यार उस पर पकड़ बना के रखना। जैसे कि अगर आप फिजिक्स ऑनर्स लेना चाहते हैं तो फिजिक्स का जितने भी 11th 12th का आपका पढ़ा तो उसको ब्रशअप कर लेना, जितने भी मैथ्स आपको अगर आपको मैथ्स ऑनर्स लेना है तो मैथ्स ब्रशअप कर लेना, और एक साथ दो दो ऑनर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो कि नहीं देख लीजिएगा, ऐसे तो हर साल कैसा रहता है देख लीजिएगा। अगर दो ओनर्स के लिए भी अप्लाई करना होगा अगर ऑप्शन तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो डेट्स अभी आई नहीं है, जैसे ही आपका इंटरमीडिएट और टेंथ का जैसे ही रिजल्ट घोषित होता है तो इंटरमीडिएट वाले बच्चे भी वहाँ पे एग्जाम मतलब देके एंट्रेंस का जितना भी अपडेट आएगा आ जाएगा, और जो भी फॉर्म फिलअप होने की जो भी जानकारी रहेगी उसी के बाद दे पाऊंगा अच्छे से। तो आप लोग अपने रिजल्ट का वेट कीजिए और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी तो जरूर से जरूर कीजिए, ताकि आपका जब एंट्रेंस लिया जाए तब जाके आप प्रिपरेशन शुरू ना करो, है ना। ये सबसे बड़ी गलती करती है कि जब एंट्रेंस का डेट आ जाता है आपका 10-15 दिन बस टाइम बचता है, उसके बाद आप प्रिपरेशन करते हो, आपके पास 2 महीने टाइम है, किसी भी तरह से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो यार, बेस्ट कॉलेज में जाने की कोशिश करो। टेंथ वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि नीचे बुक्स मैंने बता दिया, अगर इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते तो जेवियर में तो वो बुक्स आप फॉलो करें, और जो बीकॉम और बीबीए करना चाहते हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि हमारा कोर्स चल ही रहा है, तो आप कोर्स में भी एनरोल करा सकते हो व्हाट्सअप करके। और बाकी जो बीएससी लेना चाहते हैं कोई भी ओनर्स, तो उनके लिए भी मैंने बता दिया है, ठीक है, कि कैसे उनका फॉर्म आएगा और कैसे वो एडमिशन ले सकते हैं। तो जितनी भी आपकी मतलब कि आप भी जब भी अब भी जब भी कोई भी डाउट रह गया होगा, जितने भी डाउट्स हैं, तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करिए यार, मैं सबका रिप्लाई देता हूं, तो कमेंट्स कर देना। और इंस्टाग्राम आईडी मेरा दिख रहा होगा नवाभा करके है, तो वो वाला इंस्टाग्राम आईडी में भी फॉलो कर लेना, ताकि जो पर्सनल गाइडेंस मैं दे पाऊँ कि अगर आपको हमसे पर्सनली कुछ बात करना है कि सर ऐसे क्या होगा क्या होगा कुछ भी एंट्रेंस को लेकर, तो ये चैनल का इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ जाके फॉलो करके हाई कर देना, मैं जरूर सबका रिप्लाई करूंगा। आज के लिए वीडियो में मैं इतना ही बताना चाह रहा था, और भी जितने भी कमेंट्स करने जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट कर देना और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद बच्चों।